आज हम बनाएंगे पनीर की सब्जी और वो भी बिना प्याज लहसुन और अदरक के। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन पे एक बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है और दो इलायची, एक तेज पत्ता और 10 से 12 काजू, और यहाँ पे मैंने 3 टमाटर ले लिया है। यहाँ पे टमाटर मैंने हाइब्रिड वाला यूज़ किया है क्योंकि देसी वाला टमाटर टेस्ट में खट्टा होता है तो ग्रेवी जो है खट्टा लगने लगता है, तो हो सके तो आप इस ग्रेवी के लिए हाइब्रिड वाला टमाटर ही यूज़ करें। और अब हम इसे सॉफ्ट होने तक इसे पका लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। और अब मैंने इसे ग्राइंडर जार में ले लिया है और इसमें हम 1/2 कप पानी डाल के इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब मैंने सेम पैन पे 1 टेबल स्पून घी ले लिया है। हम घी को मेल्ट कर लेंगे और इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक मसाले ले लिए हैं, जैसे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 2/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून नमक। और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे और इसमें तैयार किए हुए पेस्ट को डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है और यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार में 1 कप पानी ले लिया है। हम इसे इसमें डाल के इसका अच्छा सा ग्रेवी तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है जिसे क्यूब्स में कट कर लिया है। आप अपने पसंद के किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून शुगर ले लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट्स के लिए ढक के पकने देंगे। और अब 2 मिनट्स हो चुके हैं, हम ऊपर से इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा पनीर की जो सब्जी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।